गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल मिडिल क्लास फैमिली ब्लॉग। और जो लोग सोच रहे होंगे मैं कौन हूँ, तो मैं बता दूँ, मैं हूँ आकांक्षा और मैं फिर से वापस आ गई हूँ 3 दिन के बाद, क्योंकि मेरे दांत में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और आज मुझे ऐसा लगता है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मुझे इंजेक्शन वगैरह से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए मैं एक दो महीने से मैं ठीक से खा नहीं पा रही हूँ, लिक्विड ज़्यादा ले रही हूँ और इग्नोर कर रही हूँ, मेडिसिन ले करके मैं इग्नोर करती जा रही हूँ, लेकिन अब इग्नोर नहीं हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जाना पड़ेगा आज डॉक्टर के यहाँ, और 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए मैं कोई भी ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। आई होप कि आप लोग समझेंगे मेरी बात को, और आज मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी। मतलब इतने दिन की तकलीफ से अच्छा है कि थोड़ा सा एक इंजेक्शन ले के अगर काम चल जाए तो, मतलब पता नहीं क्या करेंगे, नहीं करेंगे, फेल करेंगे या क्या करेंगे, वो जाने के बाद पता चल। तो मैंने बीच में वीडियो रोक दिया था, मैं तैयार हो गई हूँ डॉक्टर के पास जाने के लिए, क्योंकि मैंने कल सुबह से आई थिंक ठीक से खाना नहीं खाया, कल रात में मैंने खाना नहीं खाया, आज सुबह में भी मैं नाश्ता नहीं पीऊँ, तो अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। तो ठीक है, मैं चलती हूँ, आकर के फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है, ओके। और मैं बता दूं, जाने से पहले ये आज एक पार्सल मैंने मंगवाया था कुरियर से, इसमें क्या है वो ओपन करने के बाद पता चलेगा। अभी मुझे आई थिंक लग रहा है कि इसमें क्रीम है, और मैं आकर के बताऊंगी कि इसमें कौन सा क्रीम है और मैंने क्या ऑर्डर किया था। फ्लिपकार्ट से है ये एक्चुअली, और ये बच्चे की क्रीम है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कान्हा का क्रीम ऑर्डर किया था, तो मैं इसके लिए कौन सा ऑर्डर किया था वो मैं आपको आकर के दिखाऊंगी, ओपन करूंगी इसे आप लोगों के सामने। इन दोनों को देखिए बेड का क्या हाल किया है, इन लोगों ने कूद कूद करके खेल खेल करके, और वो है हर्षू, कान्हा का फ्रेंड है ना, कौन है वो, पहले मेरा। हाँ। अच्छा, और क्या है वो, दोस्त, पार्टनर, दोस्त है, पार्टनर है, सब है हर्षो उसका, है ना। और बेड का तो इसमें कचूमर निकाला हुआ है। हम दोनों ही, हाँ, हम दोनों ही, कितने खुशी से बोल रहा है ना। हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो गाना, हेलो कर दो, देख लीजिए यही करता रहता है सारा दिन। गाना हेलो बोल दो, गाना सुन तो लो बेटा, नहीं सुनोगे हर तो हेलो बोल दो, तो गाना गंदा लड़का है, हेलो बोल दो, हेलो हर्षू, हेलो गाना, बाय बाय, आ रहे हैं डॉक्टर के पास से, ठीक है, पापा आ रहे हैं, ठीक है, बाय, ठीक है, बाय बाय, थोड़ी देर में जबेली लेके आना, ओके, थोड़ी देर में जबेली लेके आना, ठीक है, इसे ले। तो मैं निकल गई हूँ घर से, और ये मेरे घर से निकलने के बाद गली पड़ती है, ये उस गली, ये वो गली है, और बस अभी मेन रोड पर आ गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं, तो आकर के बताती हूँ आपको क्या हुआ। हेलो, मैं तुरंत वापस आ गई, डॉक्टर ने देख करके बताया कि मेरे 3 दांत में मुझे RCT करवाने पड़ेंगे, और RCT में बहुत ज़्यादा इंजेक्शन लगता है, इसलिए मैं रोने लग गई और मैं वापस आ गई। उन्होंने मुझे बोला एक्सरे करवाने के लिए, मैंने एक्सरे भी नहीं करवाया, मैं घर वापस आ गई, मुझे इतना डर लगा कि मैं रो करके घर वापस आ गई, और तुरंत आ गई मैं, 5 मिनट के अंदर घर आ गई, मैंने कुछ नहीं करवाया, और दांत में दर्द हो रहा है, समझ भी नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें, बस देखती हूँ क्या होता है, बहुत डर लगता है। तो चलिए, ये सब तो लाइफ में चलता रहता है, इसको लेकर के बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, काम तो करना ही है, कितने दिनों तक नहीं करूँगी। तो चलिए, मैंने जो प्रोडक्ट मंगाया है अभी ऑनलाइन, उसको मैं आपको दिखा देती हूँ, एक मिनट, कहाँ रख दिया मैंने, एक मिनट मैं आपको दिखा दूँ पहले। तो देखिए, जब तक मैं डॉक्टर के पास गई तब तक बच्चे लोगों ने मिलकर के क्या कर दिया,
पूरा रिफिल का इंक निकाल करके लगा दिया है और इस साइड पूरा पेन से होल कर दिया है, इधर भी पूरा होल कर दिया है। इन लोगों की शैतानी देख लीजिए कि ये लोग क्या क्या करते हैं। चलिए तो पहले इसको खोल लेते हैं। तो ये है मामा अर्थ का, मैंने बहुत ज़्यादा इसका नाम सुना था। एक मिनट, तो मैंने आपको बताया था कि मैंने बच्चे का क्रीम मंगाया था और ये मामा अर्थ का है, आप एक मिनट देख सकते हो। ये मामा अर्थ का है, डीपली नरिशिंग बॉडी वॉश फॉर बेबीज। ये बॉडी वॉश है और टॉक्सिन फ्री है। तो टॉक्सिन फ्री है इसका मतलब है कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। वैसे भी बड़ों को भी अगर कोई चीज़ यूज़ करना चाहिए तो हमेशा ये चेक कर लेना चाहिए कि वो टॉक्सिन फ्री हो, क्योंकि टॉक्सिन जो होते हैं वो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। और ये मामा अर्थ का क्रीम है, बेबी क्रीम, मिल्क प्रोटीन एंड म्यूमर बटर। तो ये बेबी क्रीम है, बच्चों के लिए फेस क्रीम है। तो ये दोनों प्रोडक्ट मैंने मंगाई है ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से और मैं अभी इसे यूज़ करूँगी। वन वीक में यूज़ करने के बाद आपको इसका रिव्यू बताऊँगी कि ये कैसा है। मैंने अभी तक इसे यूज़ नहीं किया है, मैं फ़र्स्ट टाइम इसे परचेज की हूँ। मैं फ़र्स्ट टाइम इसे ली हूँ और अभी मैं एक सप्ताह पहले भी यूज़ कर लूँ अपने बेटे के ऊपर, उसके बाद मैं आपको इसका रिव्यू बताऊँगी कि ये कैसा है, नहीं है, लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इसका रिव्यू मैं ज़रूर करूँगी शेयर आप लोगों के साथ। तो चलिए पहले से यूज़ करके देख लेते हैं कि ये क्रीम एक्चुअली में है कैसा और ये बॉडी वॉश कैसा है। क्रीम एक मिनट में खोल के देख लेती हूँ। तो ये है बेबी क्रीम, इस पर लिखा है मामा अर्थ मिल्की सॉफ्ट फेस क्रीम फॉर बेबीज। तो मैं अपने ये पाँच साल तक के बच्चे के ऊपर आप यूज़ कर सकते हो इसे। तो मैंने इसे परचेज कर लिया है और 50 ml का है ये। इसका एक्चुअल प्राइस क्या है मैं आपको बता दूँ, ये 50 ml का है और इसका जो एक्चुअल प्राइस है $199 और इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो भी $199, टोटल 400 का था। पता नहीं कितना परसेंट ऑफ मिला, 370 में मुझे मिला है। तो मैंने ये दोनों चीज़ें मंगाई हैं, मैं यूज़ करके आपको बताऊँगी कैसा लगा। तो चलिए फिलहाल मैं अपने कपड़े चेंज कर लूँ पहले, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। चलिए तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए, जो मैं सुबह से पहनी हुई थी मैंने फिर से वही पहन लिया। और मैं सुबह में, मैंने आपको बताया था कि मुझे कुछ खाया नहीं जा, मैं सुबह में सत्तू घोल के पिया था और अभी मैंने ये देखिए, अभी मैंने ये आमरस मम्मी बनाई है तो मैं वो पी रही हूँ। आज लगता है कि मुझे पूरा दिन लिक्विड पे ही गुजारना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल भी मतलब हिम्मत नहीं हो रही है खाने की। दवाई ले रही हूँ दर्द की, फिर भी हिम्मत नहीं हो रही है। और आज फिर से जाना है, आज जाना है मुझे चाची के घर। मेरी एक चाची है, यहीं रहती है, पास में ही रहती है। तो आज उनके घर जाना है क्योंकि वो रात जगा रही है। पितरों की रात जो होती है ना अमावस के दिन, पहले एक बार और मैंने आपको दिखाया था, तो वो वाली रात जगा रही है। तो आज जाना है चाची के घर और चाची ने कहा है कि खाना भी सबका वही है, तो रात का खाना भी वही है और हम लोग शाम में जाएंगे। तो मैं आपको ले चलूँगी और मैं आपको उनके घर का टूर भी करवाऊँगी, उनका घर भी दिखाऊँगी कि कैसा उन्होंने बहुत ही प्यार से और बहुत ही मेहनत से उन्होंने बनाया है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी और टूर भी करवाऊँगी। तो जब जाऊँगी आप सबको लेकर के चलूँगी। चलेंगे आप लोग? सबको लेके चलूँगी, चलना आप लोग मेरे साथ। तो चलिए मैंने आमरस को पी ली है और कान्हा को मैंने बहुत मुश्किल से सुलाया है, बहुत मुश्किल से। और मैं अभी जब ये सो गया तो मैं अपना लैपटॉप निकाल करके बैठी हूँ अभी कि थोड़ा सा मैं अपना वीडियो का काम कर लूँ, इसलिए मैंने अभी लैपटॉप निकाल के बैठा है। और जब तक ये सोया रहेगा तभी तक मैं लैपटॉप चला सकती हूँ, और ये उठ जाएगा तो बस इसके ऊपर ये कूदना शुरू कर देता है, तो मेरे लैपटॉप पर कोई काम नहीं हो पाता। मैं लैपटॉप छूती ही नहीं हूँ, जब ये सोता है तो कभी कोशिश करती हूँ छूने की। तो अभी मैं थोड़ा सा काम कर लूँ, फिर आपसे मिलूँगी।
तो अभी हम लोगों का दोपहर का खाना बन चुका है, बट अभी खाना हुआ नहीं है, ये आ रहे हैं खाना खाने के लिए, फिर हम लोगों को खाना होगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करिए और उसके बगल में बेल आइकन आएगा, उसे दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरे नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए मैं इसके साथ रह रही हूँ, इस दर्द को झेल रही हूँ, और आप लोग मेरे वीडियो को झेल लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मैं फिर मिलूंगी नए ब्लॉग में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।